गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ट्विंकल पारिक, आई एम फ्रॉम इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सो व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। हम जो भी खाना खाते हैं उसका पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस, मतलब पाचन क्रिया होना, फूड का स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना, फिर उसका फर्दर अब्सॉर्प्शन होना फूड का, और उसका अब्सॉर्प्शन होके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहलाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। दो मेजर पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। फर्स्ट है मेजर ऑर्गन्स में, नेक्स्ट इज़ एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से होने चाहिए? जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मेजर ऑर्गन्स क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि सबसे पहले फूड जो है माउथ के थ्रू आगे जाता है हमारी बॉडी में, फिर वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, नाउ उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसलिए इनको मेजर ऑर्गन्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है वो फूड आगे प्रोसीड होता है। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज एसेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स आर लीवर, ब्लैडर, पैनक्रियास। सो व्हाई दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स? बिकॉज इनके बिना हमारा फूड डाइजेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है, हो ही नहीं सकता। अब्सॉर्प्शन प्रोसेस, डाइजेशन मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स में इनका डिवीजन होना, फर्दर अब्सॉर्प्शंस होना, ये सब इनके बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज मेजर ऑर्गन्स। सो फर्स्ट माउथ। माउथ का पीएच क्या होता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। फर्स्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे फूड की एंट्री ही माउथ से होती है। सो द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन। हमारे माउथ में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जिनकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे कि टीथ। टीथ क्या करते हैं? फूड को कट करना, टीयर करना, क्रश करना, ग्रिंड करना फूड को, इस सब में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम में आती है? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। सलाइवा हमारी लार हमारे खाने को मिक्स करती है सलाइवा के साथ में। सलाइवा मॉइस्टन द फूड, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको मॉइस्ट करती है अपने सलाइवा लिक्विड के थ्रू। कंटेन एंजाइम, सलाइवा में एंजाइम्स पाए जाते हैं पिटाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस। बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स। हमारा डाइजेशन प्रोसेस सलाइवा से मिक्स होके ही फूड का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन, ईसोफेगस। नेक्स्ट इज दी ईसोफेगस, अ ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक, जो हमारे माउथ से स्टमक को एक ट्यूब कनेक्ट करती है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। रनिंग थ्रू द थोरेसिक कैविटी, कहाँ से ये जाती है? थोरेसिक कैविटी से होके जाती है। लोकेशन क्या होता है? लाई बिहाइंड विंड पाइप, ट्रकिया के पीछे से हमारा ईसोफेगस होके जाता है। द ट्रकिया हैज़ एन एपिग्लॉटिस। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है एपिग्लॉटिस। सो व्हाट इज़ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस ट्रकिया के यहाँ पाया जाता है, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी फूड पास होता है ईसोफेगस से, तभी एपिग्लॉटिस ट्रकिया को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है, जो फ्लूइड है या जो वाटर है, आप जो भी फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा पाए। प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप,
मूविंग द फूड टू द इसोफेगस वाइल स्वेलिंग, जैसे ही आप फूड को च्युइंग करते हैं अपने टीथ के थ्रू सलाइवा मिक्स हो जाता है, उसके बाद आप उसको स्वॉलो करते हैं और इसको क्या करते हैं, जैसे ही आप स्वॉलो करते हैं वैसे इसोफेगस के थ्रू आगे मूव कर पाता है। फूड ट्रैवल्स फ्रॉम इसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इन्वॉल्वेंट्री रिदम कॉन्ट्रैक्शंस वेव लाइक कॉल्ड पेरास्टाल्सिस। जैसे ही आप फूड को स्वेलो करते हैं आगे की ओर वो जैसे बढ़ता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू आगे की ओर जो आपका फूड है वो बढ़ता है, और जो एक वेवी लाइक फॉर्म में और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस में आगे बढ़ रहा है उसको हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस या उस पर्टिकुलर जो फंक्शन हो रहा है उसको हम टर्म बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस सीक्रेट्स म्यूकस, जो लाइनिंग होती है इसोफेगस की वो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है जो कि फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेटिंग का काम आते हैं टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड। अगर इसोफेगस लाइनिंग रफ होंगी ड्राई होंगी तो फूड को आगे प्रोसीड करने में प्रॉब्लम आएगा। वहाँ पर स्मूथ मसल्स लाइनिंग होती हैं जो कि सीक्रेट करती रहती है म्यूकस, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे फर्दर प्रोसीड होने में मूव करने में उसको ईजी रहता है। इसोफेजल स्पिंचर्स, वॉट इज इसोफेजल स्पिंचर्स, बावल रीचेज द बोलस रीचेज द स्टमक। जैसे हमारा खाना जो भी फूड आपने लिया है कंज्यूम किया है वो इस माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया है। नाउ अगर स्टमक में जो फूड है वो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है या जो भी हो रहा है उसके के बीच में पेशेंट या पर्सन लेट जाता है, बैठ जाता है, बातें करने लगता है और उसके मूवमेंट या बॉडी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने की वजह से खाना जो है बाहर ना आए, रीगजिटेशन ना हो, इसी चीज़ के लिए जो होता है इसोफेजियल स्पिंचर्स काम में आते हैं। मस्ट पास थ्रू अ मस्कुलर रिंग्ड वॉल्व कॉल द इसोफेजियल स्पिंचर्स। आप इमेज में देख सकते हैं जो इसोफेजियल का लास्ट पार्ट होता है और स्टमक का ओपनिंग होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसी के बीच में जो रहता है इसोफेजियल स्पिंचर्स पाए जाते हैं, जो कि स्पिंचर्स होते हैं कैप टाइप की होती है, जब भी खाना आता है तो वो ओपन हो जाते हैं, जैसे ही खाना अंदर चला जाता है फूड अंदर डाइजेशन प्रोसेस फूड अंदर जा चुका है बोलस हम उसको बोलेंगे, तो स्पिंचर्स क्लोज हो जाते हैं ताकि फूड वापस बाहर ना आए, रीगर्जिटेशन के चांसेस कम हो जाए। फंक्शंस, प्रिवेंट स्टमक एसिड फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द इसोफेगस। अगर स्टमक के अंदर कोई गैस एसिड्स हैं हमारे बाइल जूसेस हैं वो वापस से रीगर्जिटेट होके वापस फ्लो बैक होके इसोफेगस में ना जाए, क्योंकि ये फर्दर इसोफेगस की म्यूकस लाइनिंग्स को डैमेज कर सकता है। स्टमक, व्हाट इज स्टमक, जे शेप्ड मस्कुलर सैक। हमारा जो स्टमक होता है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, हैज़ अ इनर फोल्ड्स रग, अंदर उसमें इनर फोल्ड्स होते हैं जिसको हम रग बोलते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक, जो स्टमक होता है उसका अंदर का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, स्टमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब अंदर बाइल जूसेस हैं, जूसेस सीक्रेट होते हैं और डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है स्टमक में। हाउ, कैसे होता है, बाय क्यूरिंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस, जो भी फूड होता है उसको क्रंचिंग करना, उसमें जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसको मिक्स करने का काम हमारे स्टमक में होता है। सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जितने भी बाइल जूसेस होते हैं वो स्टमक की लाइनिंग से ही सीक्रेट होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कौन कौन से बाइल जूसेस अलग अलग तरह से सीक्रेट हो रहे हैं, कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूसेस, कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो स्टमक लाइनिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं या सीक्रेट हो रहे हैं। HCl, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, वाटर एंड म्यूकस। HCl हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल्स बैक्टीरिया दैट केम अलॉन्ग विद द फूड। द बोलस इज नाउ कॉल्ड सिम,
श्विम, जैसे स्टमक के अंदर हमारा जो फूड है वो आया, बोलस जो आया, अब उसको जो प्रोसेस होगी स्टमक के अंदर बाइल जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस मिलने की जो भी है, उसमें हम फूड को, जो बोलस है उसको एक टर्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं श्विम। नेक्स्ट इज एंजाइम्स इन स्टमक, कौन कौन से एंजाइम्स है जो कि स्टमक में पाए जाते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट, एस सी एल सिक्रीशंस क्या करते हैं, किल एनी माइक्रोब्स दैट आर फाउंड इन द बोलस, क्रिएट अ पीएच ऑफ टू, म्यूकस प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इट्सेल्फ। नेक्स्ट इज पेप्सिन सिक्रीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फूड, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन टू यील्ड पॉलिप्टाइसिस, पीएच इज टू, द एंजाइम्स फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड स्टॉप ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, सो श्रिम मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द पासिस थ्रू अ मस्क्यूलर रिंग्ड स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक का एंड, ड्यूडेनम का स्टार्टिंग, उनके जो बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक डज नॉट डाइजेस्ट इट्सेल्फ बाय, ये मेरा क्वेश्चन है, असाइनमेंट है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है, 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, द स्टमक ओनली सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। सेकेंड इज द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूसेस। द थर्ड मैकेनिज्म इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन द इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच 1 होता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो फूड होता है हमारे स्टमक में आया, स्टमक के बाद वो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना माइक्रो मॉलिक्यूल बल्क में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, उसमें अब्सॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड द अब्सॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें अब्सॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड पार्ट क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट इज ड्यूजेनम, सेकेंड फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज ड्यूजेनम, थर्ड इज इलियम। स्टार्टिंग पार्ट होगा, द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, यू शेप्ड ऑर्गन होगा ये, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है ड्यूडेनम की। दिस एरिया कम्प्लीटली मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस, एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन टू द ड्यूडेनम फ्रॉम द पेनक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर। द ड्यूडेनम इज अ लाइन्ड बाय फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड विल्लाए। जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर लाइनिंग्स पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं लाइनिंग्स अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम विल्लाए बोलते हैं। द विल्लाए आर कवर्ड बाय फाइन ब्रश लाइक माइक्रो विल्लाए। वो एक फाइन ब्रश लाइक का हम जब उसको देखते हैं तो वो एक फाइन ब्रश लाइक के शेप में देखती है हमको, जो कि ड्यूडेनम के अंदर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है उसको हम माइक्रो विल्लाए बोलते हैं। दिस फोल्ड्स इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज द रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन। जो हमारे विलाइज होते हैं, माइक्रो विलाइज होते हैं, वो ड्यूजेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनका एरिया बड़ा कर देते हैं और अब्सॉर्प्शन प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं। इसकी वजह से जो अब्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो बढ़ जाती है।
Next is jejunum. The jejunum is approximately 2.5 centimeter long, although some digestion is complete here. It has more villi and microvilli. It rolls is absorption or nutrients. Jejunum 2.5 centimeter 2.5 meter long होता है और ये इसके अंदर ड्यूडेनम से भी ज़्यादा माइक्रोविलाइज और विलाइज पाई जाती हैं जो कि और ज़्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकती हैं न्यूट्रिएंट्स को. थर्ड पार्ट इज इलियम. द इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 meter लॉन्ग, हैज़ फ्यू विलाइज एंड माइक्रोविलाइज देन द अदर टू पार्ट्स. इसमें उन दोनों पार्ट से भी ज़्यादा माइक्रोविलाइज और विलाइज पाए जाते हैं. ऑल द अब्जॉर्प्शन अकर्स हेयर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट materials into the large intestine. इसका ileus का यही काम होता है कि जो भी दो जगहों पर absorption हो चुका है अगर बचा हुआ है तो absorption करना है और नहीं तो जल्दी से large intestine की ओर जो भी food है जो भी bolus है उसको move करना. आप इस structure में देख सकते हो esophagus, then stomach, and stomach से सबसे पहले start होती है duodenum और इसी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वहीं पे आप उसको इलियम, जुजेनम और इलियम पाए जाते हैं. सो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. 90% ऑफ डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स. 90% डाइजेशन हमारे अब्सॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है. अदर 10% टेक प्लेस स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड. इसका मेन काम होता है अब्सॉर्प्शन का न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स फ्रॉम फूड. सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स आर एक्टेड अपॉन द एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन एंड मायोट्रिप्सिन सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियास. दिस ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स. सेकेंड इज डाइजेशन ऑफ लिपिड. एंजाइम्स लाइक लाइफेज सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास एक्ट ऑन फैट एंड लिपिड इन डाइट. लाइफेज कैन ब्रेक दैम इन टू द स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन एंटर द इंटेस्टाइनल विल्ला फॉर अब्सॉर्प्शन. सेकेंड इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are broken down to simple sugars and monosaccharides like glucose. Pancreatic amylase breaks down some carbohydrates to oligosaccharides as well. Some carbohydrates and fibers pass undigested to the large intestine where they may dependent on their types be broken down by intestinal bacteria. Second is absorption in the small intestines. The nutrients are absorbed by the inner walls of small intestines in the bloodstream. The nutrients are absorbed by process of simple passive diffusion, facilitate diffusions primarily active transport or secondary active transport. For transport, nutrients commonly rely upon lipid, undergo passive or simple diffusion, short chain fatty acid diffusion, amino acid, primary active transport, glucose, secondary active transport, and fructose facilitate diffusions. So absorption in small intestine. Other absorption substance in small intestine include water. 80% in absorbed by small intestine, 10% by large intestine. Remaining 10% excrete in the feces. Second is electrolytes. Third is vitamins and minerals. Now, large intestine. What is components of large intestine? The large intestine components severely very distinctive part. First is cecum, second is colon, third is rectum. Cecum, colon. The colon consists of four parts:
असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड. नेक्स्ट इज रेक्टम. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो सीकम, फर्स्ट सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक अ पाउच 2 inch लॉन्ग. रोल क्या होगा सीकम का, टेकिंग अ डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम. लास्ट इलियम से डाइजेस्टिव लिक्विड्स को कलेक्ट करने का काम. पासिस इन नॉट ऑन टू द कॉलन. सीकम फिर फर्दर कॉलन में इसको पास कर देगा. कॉलन मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा और मेजर जो सेक्शन होता है वो कॉलन होता है. इसके फंक्शन, द प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन. मेक जो 10% वाटर रीअब्सॉर्प्शन बच जाता है वो कॉलन में होता है. अब्सॉर्प्शन सॉल्ट व्हेन नीडेड. अगर सॉल्ट का अब्सॉर्प्शन भी ज़रूरी है तो सॉल्ट का अब्सॉर्प्शन भी कॉलन में ही होता है. सो व्हाट आर कंपोनेंट्स, 4 parts होंगे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली. कॉम्पोनेंट ऑफ कॉलन, असेंडिंग कॉलन, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कॉलन पुशेस एनी अनडाइजेस्टेड डेब्रीज अप फ्रॉम द सीकम जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर. नेक्स्ट इज ट्रांसफर कॉलन, सेकेंड पोर्शन ऑफ द कॉलन. फूड ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट अंडर योर स्टमक. थर्ड वन इज डिसेंडिंग कॉलन, थर्ड पोर्शन ऑफ कॉलन पुशेस इट्स कंटेंट फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर अबडोमेन. थर्ड इज सिग्मोइड कॉलन, फाइनल एस शेप्ड लेंथ ऑफ द कॉलन एम्प्टीज इन टू द रेक्टम. अब जितना भी डेब्रीज है, जितने भी बोलस है, उसको एम्प्टी करने का काम सिग्मोइड कॉलम का होगा. लास्ट वन इज रेक्टम, द फाइनल सेक्शन मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 inches और हम कह सकते हैं 2.5 to 4 centimeter. लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्टेड देयर एक्सटेंडिंग द रेक्टम एम्प्टी थ्रू एनस. हमारा रेक्टम लास्ट पार्ट होता है, फाइनल पार्ट होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, और लेफ्ट ओवर जो भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करता है. और जो भी रेक्टम में जो भी बोलस होता है, जो भी वेस्ट पार्ट होता है, उसको एनस के थ्रू एम्प्टी करने का काम भी एनस का ही, रेक्टम का ही होता है. फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अब्सॉर्ब वाटर. वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू बी अब्सॉर्ब वाटर. प्रिपेयर द वेस्ट एज अ सॉइल स्टूल दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. सेकेंड इज अब्सॉर्ब वाइटामिन, बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टेड शुगर एंड फाइबर्स इन टू फैटी एसिड. प्रोड्यूस मैनी वाइटामिन्स ऑफ विच अ वाइटामिन के एंड बायोटिन दैट आर अब्सॉर्ब्ड बैक इन टू द बॉडी. फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस एसिडिटी. द फैटी एसिड कॉज एसिडिटी इन्वायरमेंट एंड एलाइ प्रोड्यूस एल्केलाइन सोल्यूशन रिड्यूस द एसिडिटी एंड बैलेंस द pH इन द एलाइ. फोर्थ इज प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस. द म्यूकस लाइनिंग्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बींग रीअब्सॉर्ब्ड इन टू द बॉडी. फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी. इट इज बिलीव्ड that the appendix may have been a major producer of antibodies at some point in the evolutionary process. So next is accessory organ, support the digestive system but are not part of the digestive tract.
जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट वो पार्ट नहीं होते. दिस ऑर्गन सीक्रेट्स फ्लूइड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आर कनेक्टेड बाय डक्ट. द एक्सेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड्स लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास. वॉट इज लीवर? लार्ज ऑफ ऑर्गन, मास ऑफ अबाउट 1.5 kg. लीवर प्रोड्यूस बाइल. वॉट इज बाइल? बाइल इज ग्रीनिश येलोइश पिगमेंट मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट. इट ब्रेक डाउन्स ओल्ड रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, अ स्टोरेज सैक. The bile is secreted into it. The bile is stored here. How it works? Food containing food enter the digestive tract. Salts are secreted into the small intestines to digest fat. The bile emulses fats in partly digested food, thereby assisting their absorption. थर्ड इज पैनक्रियास. पैनक्रियास सीक्रेटेड अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. रोल इज द डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन कम्प्लीटली. इट ऑल्सो सीक्रेट्स बाई कार्बोनेट ऑइंस. वॉट आर द रोल ऑफ पैनक्रियास? न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टमक. चेंज द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टू अ pH ऑफ 8. The pancreas will create about 1.0 liter of pancreatic fluids per day. Thank you so much.